सो हेलो गाइज, आज हम आपको बताने वाले इंडसइंड बैंक RDSP CSP यानी कि भारत फाइनेंशियल इंडसइंड बैंक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, और अगर आप लेना चाहते हो तो कैसे मिलेगा। हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं इंडसइंड बैंक के लिए क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान है, हम आपको वो सब बताने वाले हैं। और वो सब हम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पेपर्स में रेडी करके रखे हैं मुझे क्या क्या बताना है और क्या क्या आपको जानकारी देना है, ताकि कोई गलती ना हो। हमारे चैनल में नया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो के नीचे लाइक बटन को भी प्रेस कर दे। तो आज हम आपको बताने वाले इंडसइंड बैंक को क्या फ़ायदा है अगर आप लेना चाहते हैं तो ले, अगर आप लिए हैं तो इंडसइंड बैंक में आपका यानी कि RDSP बैंक CSP में आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग मिल जाएगा और आपको यहां पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और यहां पे कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना। एंड यहां पे आपका RD ओपनिंग हो जाएगा विथ 200 रुपया दे के आपका RD अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं वीकली। एंड यहां पे कस्टमर का आप लोन करा सकते हैं अंडर 50,000 तक का। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल पर आप यूज़ कर सकते हैं आप RDSP CSP को। एंड यहाँ पे आप इंस्टेंट CB चेक कर सकते हैं, यानी कि किसी को अगर लोन देना है कहीं दूसरे से लोन लेगा तो CB चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सारे बैंकों का आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकासी कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडसइंड बैंक का इंडसइंड से ही आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं ओनली। उसके बाद यहाँ पे आपको IMPS मिल जाता है नो चार्ज, कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे अदर सर्विसेज आपको मिल जाएगा, जैसे कि परचेज करने का या फिर आपको बिल पेमेंट फीस, इस तरीके से आप रिचार्ज वचार्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा RD अकाउंट ओपनिंग पे। एंड आपको RD को जो है चलाने में आपको RD का जब आपका वीकली EMI भरेगा कैंडिडेट, उस टाइम आपको 5 रुपया करके कमीशन दिया जाएगा, बट वो सब आपको मंथली दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग टाइम पे नो चार्ज, यानी कि अकाउंट ओपनिंग टाइम पे कोई चार्जेज नहीं देना पड़ेगा और आप चाहे तो कस्टमर से 100-200 रुपया ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको हम बताएंगे सबसे पहला बात, सबसे अच्छा बात, यहाँ पे इंडसइंड बैंक जो है आप अकाउंट का अगर आपका ATM कार्ड नहीं है तो आप भी आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ATM डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इंटरनेट बैंकिंग इजी से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आप ओनली देख सकते हैं। और यहाँ पे जो RDSP CSP लेगा यूज करेगा उनको ATM कार्ड दिया जाएगा एंड उनको जो है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दिया जाएगा। फिर आपको हम बताना चाहेंगे क्या क्या इसमें नुकसान है, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों क्या नुकसान है इस CSP में, आपको लेने में क्या नुकसान है हम आपको बताने वाले, तो आप अच्छे से सुनिए। इस CSP आपको नुकसान यह है, अकाउंट ओपनिंग टाइम पे एंड अकाउंट ओपनिंग में आपको कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा कंपनी के तरफ से। एंड लोन कराने से और लोन देने से कैंडिडेट को आपको बहुत परेशानी होना होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स बार बार अपलोड करना होगा, CV चेक करना होगा, बार बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भी आपका लोन क्विकली जल्दी में नहीं आता। लोन अप्रूव हो भी जाता है तो आपका जो लोन अप्रूव होने के बाद भी बहुत दिन टाइम लगता है लोन पेमेंट आने में। एंड अगर पेमेंट मिल भी जाता है कैंडिडेट को तो आपको कॉल किया जाता है और आपके ऊपर जिम्मेदारी रहता है कि किस तरीके से EMI भरा जाता है, आपके ऊपर परेशानी पड़ेगा अगर कैंडिडेट EMI नहीं भरता है तो। और एक हम आपको बात बताने वाले हैं, अगर आप लोन कराते हैं 10 ठो तो उसमें से आपका हो सकता है अगर किस्मत सही है तो आपका 2 ठो लोन अप्रूव होगा, उसके बाद अगर आप नहीं तो 1 ठो अप्रूव होगा, बहुत ही कम अप्रूव होता है। उसके लिए एक अलग से लिस्ट है, हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। एंड 6 नंबर ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे आपको, मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं आप ओनली, कंप्यूटर पे PC पे लैपटॉप पे यूज़ नहीं करते RDSP CSP को। एंड आपको हम यहाँ पे भाई बताएंगे विदड्रॉ डिपॉजिट पे आपको कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा आपको। एंड आपको यहाँ पे ATM नहीं मिलेगा कैंडिडेट को, यानी कि जो अकाउंट ओपनिंग कराएगा कस्टमर, उस कस्टमर को ATM नहीं मिलेगा। ATM मिलेगा उसी हिसाब में, अगर आप 6 महीने तक ट्रांजेक्शन करते हैं, विदड्रॉ डिपॉजिट करते हैं, ट्रांजेक्शन बेस्ड करते हैं तो आपका 6 महीने बाद ATM के लिए अप्लाई करना होगा और आपको ATM मिल जाएगा। ATM को अप्लाई करने का सिस्टम अलग से वीडियो बना दिया है हम, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। तो RDSP CSP में ये सब आपका सामना करना पड़ेगा। अगर आप लेना चाहते हैं RDSP CSP को तो आपको लिखना है इंडसइंड बैंक CSP और आपको अपना पूरा एड्रेस पूरा पता लिख के व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, और व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पे आपको सेंड कर देना है और हमें जब भी फुर्सत मिले, हमें जब भी टाइम मिले, हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक कर दे एंड हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दे। और कुछ नहीं मांगते हम आपसे,
सब्सक्राइब सी कर दे एक ठो।